पूजा गौर। हाय, दिस इज अरहान बहल एंड यू आर वाचिंग अस ऑन टेलीफिल्म। ये हमें और ये प्रतिज्ञा है और यहाँ हमारी शूटिंग। सबको मिल Thank you so much to the entire Yerushka team. ये first of all invitation के लिए and the fact that DKP and Yerushka has planned to welcome us and our team in DKP family. Of course, Yerushka एक ऐसा show है which it has become an iconic show in itself. It has created history. And we really, really wish and hope that your luck and the way you have achieved success rubs off on our show. So, aapki wishes bahut matter karti hai. Thank you so much, everyone, for today. बताओ। रियली एक्साइटेड इंटरनली, एक्सटर्नली उतना चीज अभी तक बाहर नहीं आई है, सिंक इन नहीं हुआ है, बिकॉज यू नो ये चीज पहले भी दो बार हो चुकी है एंड I, you know, it was just that कि okay, आ रहा है प्रतिज्ञा, कर रहे हैं हम, and very quickly within a week everything was finalized, everything was locked, the story was locked, the narration happened, हमारा outdoor का schedule decide हो गया, we went for the outdoor, shot the outdoor, आज हम आपके सामने बैठे हैं, ये चीज़ 15 दिन के अंदर ये सब कुछ हुआ है, so it has happened so fast that अभी तक हमको वो realize करके उछलने कूदने का मौका नहीं मिला है। या अब वही जैसा अभी पूजा ने बताया कि वो जब न्यूज़ मिली थी और जब पता चला था कि ऐसा कुछ हो रहा है, शो आ रहा है, तो वो इससे पहले कि हम कुछ रियलाइज़ करें और इससे पहले कि कुछ एक्साइटमेंट शो करें, वो ऑलरेडी शूट ही स्टार्ट हो गया था एंड आई थिंक सिंस देन वो अभी ना ही उसको सेलिब्रेट करने का और ना ही वो एक्साइटमेंट शो करने का कहीं टाइम मिला, ना ही वो स्पेस मिली और वो एक्साइटमेंट है, लाइक वी कैन फील विद इन आर सेल्स, वो है, वो अंदर है, वो हम जब बात करते हैं तो वो पता चलता है, लेकिन लेकिन आई गेस अभी भी वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि एक्चुअल में देर इज़ नो टाइम फॉर इट और ना ही वो समझ में आ रहा है क्योंकि वो ये एक ऐसी चीज़ है जो आई वुड से इट्स सुपर सुपर स्पेशल, तो जब कुछ चीज़ इतनी स्पेशल होती है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको रियलाइज करने में एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर। स्टोरी नई है, किरदार वही है, एक नए रूप में है, बहुत नए किरदार भी जुड़े हैं, तो ऑफ कोर्स डिफरेंट तो होने वाला है, वही फ्लेवर है, वही एसेंस है, पर कुछ नया होने वाला है एंड आप जल्द ही देखेंगे, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। या सेम, वी आर डूइंग द सेम शो, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम शो। ऐसा होता है जब इतने सारे इंटरव्यूज के बाद इंटरव्यू लेते हैं तो आंसर्स कट शॉर्ट हो जाते हैं। सेम सेम, या आप लोगों ने कहा कि रियल लोकेशन में भी जाके शूट हुए, मतलब इतना डरा ही दिया जनता ने, ऐसा रिएक्शन था कि हम डरी गए कि यार ये क्या हो रहा है,
तो एक्चुअली ये मुझे तो लगता है हमारे साथ एक प्रैंक हुआ है हमको बोला गया था कि बहुत अच्छा आउटडोर होने वाला है और हम बहुत ही खुशी खुशी गए थे और हम सोच के गए थे जैसा सीजन वन के टाइम पे हुआ था वैसे होने वाला है, लेकिन हम एक चीज़ भूल गए थे कि सीजन वन के टाइम पे नोबडी न्यू कि क्या शो है, कौन से कैरेक्टर्स हैं, और इस टाइम पे इट वॉज टोटली डिफरेंट. तो अभी तो मतलब एक तरह से हमको ऐसे मतलब छोड़ दिया था कि जाओ, मेले के बीच में हम शूट करके आए हैं और वो बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस है. मुझे लगता है अभी तक वो थोड़ा सा हैंगओवर है उसका कि क्या हुआ था, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था, लिटरली सब कुछ हिल रहा था, क्योंकि मेले में यू कैन इमेजिन कि कितना क्राउड होता है. वो सब अपने अपने सब छोड़ के, जो भी वो गेम्स कर रहे थे, जो भी थे वो सब छोड़ के, वो सारी राइड्स छोड़ के वो यहाँ आ गए थे शूट देखने के लिए, और सब ने ऐसे इनसर्कल कर दिया था. और जितनी उन्होंने हूटिंग की है, जितना उन्होंने कैरेक्टर्स का नाम लिया है, चिल्लाया है, सज्जन सिंह के लिए पूछा है कि वो कहाँ है, और वो इतनी सारी चीज़ों के बीच में जब हमने शूट किया तो पता चला कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है. और सीज़न वन के कंपैरिजन में इस टाइम पे तो इट वाज टू मच, बहुत बहुत ज़्यादा था जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. सेम था, क्राउड कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था टीम के लिए, बिकॉज फॉर दिस प्रिसाइज रीज़न कि अब लोग जानते हैं कि ये कौन है, किस वजह से शूट हो रहा है. और ऑफ कोर्स व्हाइल वी वर शूटिंग देयर लोगों को ऑलरेडी पता था, बिकॉज इट हैड कम इन द लोकल न्यूज़पेपर्स आल्सो, सो एवरीबडी न्यू व्हाट वाज व्हाट शूट वाज गोइंग ऑन. सो बट थैंकफुली वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ के उन सब लोगों से हमें काफ़ी मदद रही, हमारी टीम को भी, और हम अच्छे से शूट कर पाए. बट अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था, जितना आज भी लोग चाहते हैं, जितना आज भी लोगों को इंतज़ार है. जब मैं शूट अकेली कर रही होती थी तब मुझे ऑफकोर्स इनके बारे में, सज्जन जी के बारे में, बाकी कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता था, कहाँ है वो सब, और इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली क्रेजी. I feel very fortunate that I have got this opportunity to play this such a strong character and such an influential character. Usi ke saath saath I feel very responsible, because it is a big responsibility, you know. It Pratigya has been sort of like a support for women to take reference from. एक वो सपोर्ट भी मिलता है कि अच्छा ओके, दिस इज़ ऑल्सो हाउ यू कैन सॉल्व और डील विथ अ सिचुएशन. तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड या आई फील ओवरवेलम्ड एंड रियली हैप्पी टू बी इन दिस पोजिशन, एंड आई टेक इट एज अ चैलेंज एवरी सिंगल डे. बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा था कि वो फील ही नहीं हुआ कि इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं या क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वापस से उसी जोन में एंटर हुए हैं. क्योंकि पहले मैं जब मिला तो मुझे बाऊजी दिखे, मैं उनसे मिला, फिर धीरे धीरे हम जब लुक टेस्ट मॉक शूट्स पे आते गए तो सबसे धीरे धीरे अम्मा से सबसे मिलना हो गया. पूजा के साथ मेरा फर्स्ट सीन था जब हमने आई गेस लुक टेस्ट मॉक शूट किया था, तो फर्स्ट सीन ही वो एक रोमांटिक सॉन्ग के ऊपर कुछ चंक शूट करना था वो था. तो इट वाज़ वेरी एफर्टलेस और बहुत ही अलग सा फील हो रहा था कि मतलब ना, आफ्टर ऑल दीज इयर्स वी आर बैक इन द सेम गेम, वही चीज़ हम कर रहे हैं, वही सब कुछ, सेम कास्ट, सेम पीपल, और वो जो ट्यूनिंग है वो प्री सेट है, वो ऑलरेडी है ही हमारे बीच में, तो वो एक एडवांटेज है. लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है कि व्हेन वी से कि वो ट्यूनिंग ऑलरेडी है वहाँ पे और एफर्टलेस है और वो मसल मेमोरी है, दैट डजेंट मीन कि अब हमें कुछ हार्डवर्क नहीं करना उसके ऊपर. क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चीज़ तो है, बट उस चीज़ के अलावा बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस बार, क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं. तो उन चेंजेस को कैसे आपको उन कैरेक्टर्स में डाल के और कैसे उसको आगे लेके जाना है, दैट्स ऑल्सो एंड दैट्स वेरी आई फील इट्स दैट्स द मेन चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस. तो वो भी करना पड़ेगा अभी. तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, एंड
वी वुड से थैंक यू फॉर ऑल द पेशेंस दैट दे हैव शोन एंड द इम्पेशेंस दैट दे हैव शोन कि उनको बस चाहिए चाहिए था कि बस सीजन टू कैसे भी आए और उन्होंने पेशेंटली वेट किया उसके लिए एंड विद ऑल द होप्स कि वो आएगा आएगा आई गेस हम एज अ टीम हमसे ज़्यादा वो लोग श्योर थे कि ये आने वाला है एंड जो सच भी हुआ है वो वाकई में आ रहा है एंड ओनली बिकॉज ऑफ देम इट्स कमिंग बिकॉज दे शोड सो मच ऑफ लव तो थैंक यू आई थिंक थैंक्स करना बहुत छोटा सा वर्ड है बट आई गेस विद द शो वो जितनी भी चीज़ें वो लोग चाहते थे और वो जैसे जैसे सीन्स एक्सपेक्ट करते हैं जो वो चीज़ें मिस कर रहे थे इतने सालों से वो हम सब डिलीवर करने वाले हैं सो दैट्स ऑल दैट्स द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव देम या आई हैव ओनली ग्रैटिट्यूड टू एक्सप्रेस टूवर्ड्स द फैंस ये आप ही की वजह से ये शो वापस आया है तो बस आ गए हम वापस तो दिखाइए आपका सपोर्ट एंड कीप चीयरिंग फॉर अस एंड सपोर्टिंग अस द वे यू हैव ऑलवेज डन एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट यू नो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद सीजन टू थैंक यू